नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि धुंध की वजह से नहीं, फॉग की वजह से ठंड है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, धूप का नामो निशान भी नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ दो बार जो ऑलरेडी डॉक्टर टफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो विंटर वेकेशन थी उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था, उसके बावजूद भी ठंड का जो कोहराम था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी के चलते फिर से आवाज़ उठ रही थी कि एक बार फिर से छुट्टियों एक्सटेंड कर देना चाहिए जब तक ये धुंध का कोहराम कम नहीं होता। उसी के चलते एक बड़ी खबर आपके समक्ष आ रही है कि छुट्टियां जो है विंटर वेकेशन है वो 17 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। यानी पहले वो लोहड़ी यानी 12 जनवरी तक था और आप जानते हैं 13 को लोहड़ी थी और आज मकर संक्रांति, आज तो वैसे ही संडे है। और उसके बाद अगर कल की बात करें, कल बच्चों को स्कूल जाना था और पहले जो आदेश था उन्होंने बताया था कि 9वीं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे तो ऑनलाइन टीचर जो थी वो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस उनके लगेंगी। पर अब जो बड़ी खबर आ रही है फिलहाल छुट्टियां किनको ये जानना जरूरी है, यानी 8वीं तक जो छुट्टियां उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है, 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है 17 जनवरी तक 2024 तक। और उसके बाद जो बाकी क्लासेस हैं उनके लिए क्या आदेश है वो भी आपको बताना चाहेंगे। बाकी क्लासेस की जो आदेश है उनके लिए जो ड्यूरिंग जो छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं यानी कि 17 जनवरी तक उनका जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है। यानी उनका टाइमिंग जो 17 जनवरी तक है वो 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक होगा। ये साफ तौर पर उन बच्चों के लिए जो 8वीं से आगे जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए जो टाइमिंग को चेंज किया गया पर उनके लिए छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं किया गया। जो छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया वो किया है यानी कि 8वीं तक के बच्चों के लिए। ऑर्डर नंबर है 30 डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ 2024 डेटेड 14 यानी आज 1 जनवरी 2024। बताना चाहेंगे इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस ऑर्डर नंबर 22 डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी DSEJ ऑफ 2024 डेटेड 6/1/2024 द विंटर वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल आर फर्दर यानी के एक्सटेंडेड टिल 17 जनवरी 2024। यानी पहले जो आदेश था वो 6 तारीख को निकला था और उसके बाद आज फिर से आदेश को बढ़ाया गया यानी उस ऑर्डर को यानी मॉडिफाई किया गया है। यानी उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो टिल 17 जनवरी 2024 अप टू 8th क्लास ऑनली सिर्फ 8वीं क्लास तक के बच्चों की जो छुट्टियां हैं 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद साफ तौर पर यह भी कहा इट इज फर्दर ऑर्डर देयर द टाइमिंग ऑफ द स्कूल शेल बी फ्रॉम 11 AM टू 3 PM ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड वेकेशंस। यानी ये जो एक्सटेंड की गई हैं छुट्टियां 17 जनवरी तक, बाकी जो क्लासेस 8वीं के बाद 9, 10, 11, 12 उनके जो स्कूल्स हैं यानी कि 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लगेंगे। यानी टाइम को बढ़ा दिया गया है क्योंकि पहले अगर बात करें स्कूल का टाइम जल्दी लगती थी क्लासेस, अब उन्होंने टाइम को बढ़ा दिया यानी 11 बजे क्लासेस लगेंगी 8वीं के बाद तक की जो क्लासेस हैं और 3 बजे उन्हें छुट्टी होगी। ये तब तक होगा जब तक ये छुट्टियां एक्सटेंड की गई हैं यानी कि 17 जनवरी तक। और साथ ही साथ जो 8वीं तक की क्लास थी बच्चों की उन बच्चों को छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। जिस तरह से आप जानते हैं लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है यानी इस बार तो कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया जम्मू ने, कि जिस तरह से जम्मू में कम ठंड होती थी और कश्मीर में ठंड का तांडव होता था और उसके चलते कई सारे कश्मीर से लोग जो जम्मू में आते थे, पर इस बार तो जम्मू ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना कम टेम्परेचर शायद पहले बार यानी 5 सालों के बाद इतनी सर्दी इतनी ठंड पड़ी है कि अभी तक जम्मू जो ठिठुर रहा है ठंड से। यानी फाग का अगर शाम की बात करें, शाम होते होते पूरा जम्मू जो है आपको सफ़ेद चादर की फाग की यानी कि धुंध की यानी कि सफ़ेद चादर लिपटी हुई नज़र आएगी। अगर सुबह की बात करें तो लगभग 10 बजे 11 बजे तक फॉग जो पूरी तरह से जम्मू को अपनी लपेट में लपेटी होती है। तो इसी तरह से लगातार जो ठंड का कोहराम है, लोग अंदर अपने घरों के अंदर हीटर लगाने के बाद भी यानी रूम हीटर्स लगाने के बाद घरों में अंदर बैठने के बाद भी रजाइयों में बैठने के बाद भी ठिठुर रहे हैं। यानी लोगों को तो किचन तक, अगर महिलाओं की भी बात करें तो हमें भी किचन तक जाने में भी दिक्कत होती है, 2 मिनट अगर खड़े होंगे वहां ठंड से ठिठुर जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों की यदि छोटे बच्चे होते वो किस तरह से स्कूलों में जाकर ठंड के साथ मुकाबला करेंगे। तो लगातार पहले भी एक बार छुट्टियां 2 बार एक्सटेंड हो चुकी हैं, अब ये था ये बार बार मांग की जा रही थी कि अभी भी ठंड का जो कहराम कहर है वो कम नहीं हुआ है, जब तक ठंड कम नहीं होती तब तक बच्चों को छुट्टियां बढ़ाई जाएं। पर फिलहाल ये अभी तक का आदेश और गुड न्यूज है 8वीं तक के बच्चों के लिए कि 8वीं तक की क्लास के लिए छुट्टियों को जो विंटर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये
17 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 18 को आपको स्कूल जाना है। और उसी के साथ साथ जो बाकी की क्लासेस हैं उनके लिए टाइमिंग जो होगा, जो छुट्टियां एक्सटेंड हुई है, यानी 17 जनवरी तक स्कूल उनको जाना है, पर 11 से लेकर 3 बजे तक उनकी क्लासेस होंगी। ये अभी तक की बड़ी खबर है और खुशखबरी है, जो लगातार माता पिता स्कूलों ये कह रहे थे कि छुट्टियाँ एक्सटेंड करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज ना हो बड़ी क्लासेस का, खास करके क्योंकि अब देखिए जनवरी जा रहा है, फरवरी मार्च में एग्जाम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्हें वो भी सोचना है कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो और बच्चों को ठंड से भी बचाया जाए। और बड़े सोच समझ के इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और बार बार जो लोगों की मांग थी, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पूरी तरह से लोगों की मांग को सुनकर समझ कर, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी ज़ाया ना हो और बच्चों को जो है जो छोटे बच्चे वो सर्दी से भी बच जाए, तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं सोच समझ कर। तो वहीं पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फिर से आम जनता के पेरेंट्स की बात को सुना है कि इस इतनी ठंड जो बढ़ती जा रही है, ऐसा ऐसा जो छुट्टियों को एक्सटेंड करता है, यही सोच रहे थे हो सकता है कि बीच में मौसम ठीक हो जाए, करवट बदले, तो कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल से जाए, उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। पर अब जो है अब फिलहाल ये कहेंगे कि 17 तक जो 8वीं क्लास तक बच्चे हैं, 8वीं क्लास फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, 8वीं क्लास तक की जो क्लास बच्चे हैं उन्हें छुट्टियाँ हैं 17 जनवरी 2024 तक, और बाकी जो क्लासेज हैं उनकी स्कूल जाना है, उनकी क्लासेज लगेंगी, पर टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दिया है। टाइमिंग है 11 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक उन्हें स्कूल पर जाना है। ये अभी तक की बड़ी खबर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।